Good morning, everybody. Me, Inderjeet Kaur, welcomes you again in Vriddhi classes. So today I am going to start the ecology subject, which is very important by the view of each type of the competitive level. So first of all, it should be clear that the concepts, which are the basic concepts of ecology, that should be cleared by everyone. तो सबसे पहले इकोलॉजी सब्जेक्ट को स्टार्ट करने से पहले मैं यही चाहूंगी कि हमें इसकी कुछ बेसिक कंसेप्ट्स के बारे में पता होना चाहिए. तो उसको हम कहेंगे कि वो एक इंट्रोडक्टरी इकोलॉजी की मैं वीडियोस बनाऊंगी. तो आप इसके बाद में जो है हम इसको इसके हर एक पार्ट को डिटेल में करेंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ इकोलॉजी? इकोलॉजी की डेफिनेशन क्या है? Actually, the term ecology was coined 1866 by German biologist Ernst Haeckel. Ernst Haeckel ने 1866 में ecology term जो है दी थी. और ये जो term ecology है, ये Greek word से आई है. और इस Greek word में इसका meaning बनता है oikos, जिसका मतलब होता है house, जहाँ पर कोई भी organism रहता है, कोई भी plant रहता है, चाहे वो टेरेस्ट्रियल पार्ट हो यानी थलीय जीवन में रहता हो, या वो ऐसे वातावरण में रहता हो जहां पर पानी के अंदर यानी एक्वाटिक इकोसिस्टम में रहता हो, तो वो उसका घर है. जिस जगह पे कोई भी ऑर्गेनिज्म रहता है वो उस जगह उसको आवास कहा जाता है. इसलिए ऑइकोस का मतलब है हाउस और डिवेलिंग, एंड लोगोस, जहां पर भी लोगोस शब्द आता है या हम कहते हैं लॉजी शब्द आता है, उसका मतलब होता है स्टडी, उसके बारे में अध्ययन करना. जैसे आप देखते ही हो कि साइंस के अंदर बायोलॉजी, ठीक है, बायोलॉजी का मतलब होता है बायो मीन्स उसमें हम प्लांट्स और एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी करना. तो दैट इज कॉल्ड बायोलॉजी. तो लॉजी लॉगस का मीनिंग निकला कि ये साइंस है और उसके बारे में हमें स्टडी करना है. दिस इज द स्टडी और साइंस अबाउट द हाउस और डिवेलिंग पार्ट्स विच कंसर्न विद द इकोलॉजी टर्म. अब अगर हम बात करें कि इकोलॉजी जो है वो कितने टाइप्स की है, तो इकोलॉजी जनरली टू टाइप्स में डिवाइडेड है. फर्स्ट इज नॉन एज ऑर्टिकोलॉजी एंड सेकेंड वन इज सिन इकोलॉजी. ऑर्ट इकोलॉजी का मतलब, ऑर्ट का मतलब हमें मालूम ही है कि स्वतः, जिसमें हम सिर्फ एक स्पीसीज के बारे में स्टडी करें. तो द स्टडी ऑफ इकोलॉजिकल रिलेशनशिप्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ सिंगल स्पीसीज. सिंगल स्पीसीज का मतलब है किसी भी एक स्पीसीज के बारे में अगर हम जानना चाहें. जैसे कि अगर हम बात करें कि हम सिर्फ कैट के बारे में बात करना चाहते हैं, यानी कि एक कैट के बारे में बात करना चाहते हैं, तो वो एक, चाहे आप कितने भी कैट्स के बारे में बात कर लीजिए, लेकिन वो उसकी एक स्पीसीज होगी, एक जाति होगी, उसको हम बोलेंगे ऑर्ट इकोलॉजी. एंड सेकेंड वन इज सिन इकोलॉजी, का मतलब हुआ इट इज द स्टडी ऑफ ऑल स्पीसीज इफ दे आर सिचुएटेड एज कम्युनिटी. कम्युनिटी का मतलब होता है समुदाय. स्पीसीज का मतलब होता है जब एक ही प्रकार की जाति, एक ही तरह के एनिमल के बारे में या एक ही प्लांट के बारे में हम स्टडी करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं ऑर्ट इकोलॉजी. एंड सिन, सिन का मतलब, देखिए सिन का मीनिंग होता है कॉम्बिनेशन, उसका मतलब होता है कई सारी पॉपुलेशंस, कई सारी स्पीसीज जब मिल जाती हैं एक पर्टिकुलर एरिया में, तो वो वहां पर कम्युनिटी यानी समुदाय बनाती हैं, ठीक है. कम्युनिटी का मतलब क्या हुआ, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, जैसे स्पीसीज, सिंगल स्पीसीज का मतलब हुआ मैं यहाँ पर इतने एरिया के अंदर बात करती हूँ कि यहाँ कितनी जो है कैट्स हैं, ओनली कैट्स के बारे में, ऐसा नहीं कि सिर्फ कैट ही रहेंगी. जब हम एक ही की बात करें कि हम कैट के बारे में बात करना चाह रहे हैं, तो हम कैट की स्टडी करना चाह रहे हैं, तो वो हो गई सिंगल स्पीसीज. अब यहाँ पर कैट्स भी हैं, यहाँ पर डॉग्स भी हैं, यहाँ पर कुछ आप मान लीजिए कोई स्नेक्स भी हैं, और कुछ दूसरे टाइप के वर्टिब्रेट्स भी हैं, यानी कि अलग अलग जातियों के कुत्ते भी हैं, बिल्लियां भी हैं और स्नेक्स भी हैं. तो ये जो होता है ये कम्युनिटी, एक समुदाय बना देता है, तो इसको हम बोलते हैं सिन इकोलॉजी. तो ये आप इकोलॉजी की जनरल टाइप्स हैं, जिसको ऑर्ट इकोलॉजी एंड सिन इकोलॉजी के वे में जाना जाता है. अब हम नेक्स्ट इसके बारे में बात करेंगे कि व्हाट आर द लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन,